एक अल्ट्राप्लेक्स नाम की कंपनी एक साइंस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे रही होती है, और यह सब दूर खड़ा होकर एक विल नाम का आदमी देख रहा होता है, जिसके साथ उसकी बहन होती है और उसका नेफ्यू होता है। ये सब वे दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं, पर तभी अंधेरा छा जाता है और जो विल होता है वो खुद को अल्ट्राप्लेक्स कंपनी के लैब में पाता है, जहाँ पर कोई नहीं होता, और वहाँ उसे एक ब्लैक बॉक्स मिलता है, और थोड़ी दूर चलने पर उसे एक डेड बॉडी भी मिलती है एक साइंटिस्ट की। जब वो उस लैब से बाहर निकलता है तो पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, और उसके बाद वो एबिगेल को कॉल करता है जो उसकी साथी होती है, और वो बताती है कि तुम अभी जिंदा हो विल, मैं तुम्हें वहाँ पर लेने आ रही हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर एक कार भेज रही हूँ, तुम उसमें बैठ कर आ जाना। और तभी हमें 9th month बिफोर का एक सीन दिखाया जाता है, 9 महीने पहले का एक सीन, जहाँ पर जो विल होता है वो अल्ट्राप्लेक्स कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ होता है, जहाँ पर एबिगेल ने उसे कॉल किया हुआ था, और उसे वे जॉब ऑफर देते हैं कि तुम्हें हमारी कंपनी के लिए काम करना होगा, बदले में हम तुम्हारी बहन को अच्छा खासा पैसा देंगे, और जो तुम्हारे नेफ्यू को ट्रोमा है हम उसे भी ठीक करवाने में तुम्हारी मदद करेंगे। और तभी हमें प्रेजेंट टाइम में ले जाया जाता है, जहाँ पर जो विल होता है वो उस टावर को दूर से देख रहा होता है और उसे लोकेट करने की कोशिश करता है, तो उसे लोकेशन का पता लगता है कि यहाँ से वो 8 किलोमीटर दूर है, क्योंकि जो वो ब्लैक बॉक्स होता है उसको वो टावर तक ले जाना होता है। और तभी वो उसे एक न्यूज़ मिलती है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि सिटी का ये हाल प्रोटेस्टर्स ने किया है, जो अल्ट्राप्लेक्स कंपनी के खिलाफ थे, कि वो जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, उन लोगों ने इस शहर पर हमला करा था, और जो और उनकी लैब को भी अल्ट्राप्लेक्स की जो लैब है उसे भी उन प्रोटेस्टरों ने डिस्ट्रॉय करा था। और तभी दूर से विल देखता है कि आसमान में एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से एक बोट नीचे गिरती है, वो उस पोर्टल को देखने के लिए पास जाता है, पर तभी उस पोर्टल में एक ब्लास्ट होता है और वो जख्मी हो जाता है। वो एक फार्मेसी लाइन में जाता है, मतलब मेडिकल सेंटर पर जाता है, जहाँ पर वो अपना इलाज करता है। पर तभी वो बाहर निकल कर देखता है तो वहाँ पर प्रोटेस्टर्स अल्ट्राप्लेक्स कंपनी के ड्रोन पर हमला कर रहे होते हैं, और उस ड्रोन को वो उड़ा देते हैं, और फिर वे विल को भी देख लेते हैं और विल के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, पर विल अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है, और विल छत पर पहुँच जाता है एक घर की, जहाँ पर उसे माइकल मिलता है जो उसे पकड़ लेता है, और माइकल उसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो, तुम तो मर चुके थे। और तभी वहाँ पर ड्रोन्स आते हैं, अल्ट्राप्लेक्स के ड्रोन्स, और कहते हैं कि तुम रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आए हो, जल्दी अपने हथियार डाल दो और हमारे साथ चलो। और तभी जो विल होता है वो कहता है कि मैं अल्ट्राप्लेक्स कंपनी के लिए काम करता हूँ, और वो ब्लैक बॉक्स उस ड्रोन को दिखाता है, वो ड्रोन उस ब्लैक बॉक्स को स्कैन करता है और कहता है कि तुम अंडर अरेस्ट हो, चलो भाई हमारे साथ जल्दी चलो। और तभी वहाँ पर एक और पोर्टल खुलता है आसमान में, और उसके अंदर से एक ट्रेन नीचे गिरती है, और वहाँ पर बड़ा ब्लास्ट होता है, और हमें 3 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर जो एबिगेल होती है वो विल को बता रही होती है कि हमारी धरती के सारे रिसोर्सेज धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, तो हमें एक और बेटर वे ढूंढना होगा जिससे हम और अच्छी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकें। तो बताती है कि हम ऐसा प्रोग्राम चला रहे हैं जिससे हम इस धरती की एक कॉपी बनाएंगे, पर जिस पर कोई लिविंग बींग नहीं होगा। और एबिगेल विल से बताती है कि तुम्हें उस क्लोन अर्थ पर भेजा जाएगा, और तुम्हें उस टावर में एक ब्लैक बॉक्स को सेट करना होगा, क्योंकि उस अर्थ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, और वो ब्लैक बॉक्स उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, इसलिए तुम्हें उस क्लोन अर्थ पर जाना है और उन सारी चीज़ों को ठीक करना है। और हम प्रेजेंट टाइम में ले जाया जाता है, जहाँ पर जो विल होता है वो माइकल को बता रहा होता है कि उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था कि इस धरती पर तो कोई जिंदा चीज़ नहीं होगी, पर ये तो बिल्कुल उसकी सेम कॉपी बना दी उन्होंने तो, और यहाँ पर तो सब जिंदा है। माइकल कहता है उन्होंने कॉपी बना दी हमारी। और तभी वहाँ पर एबिगेल आती है और कहती है कि तुम जिंदा हो विल, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और तभी जो ड्रोन्स होते हैं अल्ट्राप्लेक्स के वहाँ पर आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं, और एबिगेल कहती है कि तुम हम पर हमला क्यों कर रहे हो, हम तो अल्ट्राप्लेक्स के लिए काम करते हैं। पर वे रुकते नहीं, वे एक कार में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, और पर ड्रोन अटैक के कारण उनकी वो कार क्रैश हो जाती है। वे तीनों उस कार से निकलकर एक एयरपोर्ट में पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती है, और जैसे ही वे एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं उनके ऊपर ड्रोन का हमला हो जाता है, और उस हमले के दौरान विल इंजर्ड हो जाता है, और जो माइकल होता है वो उसे प्रोटेस्टर कैंप्स में ले जाता है, जहाँ पर वे प्रोटेस्टर्स का अड्डा था वहाँ पर पहुँचते हैं, और जहाँ पर उसका इलाज होता है। और जब उसको होश आ जाता है विल को, तो जो लीडर होता है प्रोटेस्टर्स का, जिसका नाम हुगो होता है, वो पूछता है
कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा मेन मकसद क्या है यहाँ पर आने का, और ये ब्लैक बॉक्स है क्या। और वो उन दोनों को बंदी बना लेता है, जो एबिगेल होती है और वेल होता है, उनको बंदी बना लेता है। पर तभी वहाँ पर अटैक हो जाता है अल्ट्राप्लेक्स के सोल्जर्स का, और वे तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, और ज़्यादातर प्रोटेस्टर्स उस चीज़ में मारे जाते हैं। और फिर वे तीनों एक बेसमेंट के अंदर जाते हैं, जहाँ पर विल एबिगेल से पूछता है कि बॉक्स है किस चीज़ का, तुमने मुझे ये बॉक्स बताया था कि जाकर टावर में लगा दो, और ये 100% चार्ज हो चुका है, और ये रीडिवाइडर का मतलब क्या है, इसके ऊपर रीडिवाइडर लिखा रहा है। तो एबिगेल बताते हैं कि रीडिवाइडर का मतलब है कि जिस टावर में ये बॉक्स लगाया जाएगा वो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये धरती डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर तुमने इस वाले टावर में इसको लगाया तो हमारी पूरी जनजाति ख़त्म हो जाएगी, जो ये डुप्लीकेट अर्थ है ये ख़त्म हो जाएगी, और हम सब मारे जाएंगे। और फिर जो विल होता है वहाँ से भागकर अपने घर पर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसका पूरा घर तबाह हो चुका है, और जो उसके नेफियो और सिस्टर है वो दोनों मारी जा चुकी हैं। और फिर वो टावर की तरफ जाने लगता है उस टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि उस धरती की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि वो दूसरी धरती की चीज़ें अपनी तरफ पोर्टल कर रही थी, और यहाँ की चीज़ें दूसरी तरफ पोर्टल होकर जा रही थी, जिस कारण से दोनों धरती तबाह हो सकती है। और तभी वहाँ पर अल्ट्राप्लेक्स के सोल्जर्स आ जाते हैं, और वो माइकल और विल को कैप्चर कर लेते हैं, और प्लान होता है एबिगेल का ही प्लान होता है उन दोनों को पकड़ने का, और फिर उन दोनों को एरोप्लेन में बैठाया जाता है, जहाँ पर उन्हें रिनाइड्स नाम का एक साइंटिस्ट मिलता है। और जो रिनाइड्स होता है वो कहता है कि तुम इस किल स्विच को, इस ब्लैक बॉक्स को तुम्हें ओरिजिनल अर्थ पर भेजा जाएगा पोर्टल से, और तुम्हें इस ब्लैक बॉक्स को ओरिजिनल अर्थ के उस टावर में लगाना है, जिससे ओरिजिनल अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो विल मना करता है कि ऐसा क्यों, उस पे तो मेरे असली जो सिस्टर है और नेफियो वे मर जाएंगे, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वो साइंटिस्ट कहता है कि एक धरती को तबाह होना ही होगा, नहीं तो दोनों तबाह हो जाएगी, एक धरती को अपना सेक्रीफाइस देना ही होगा। पर विल होता है वो नहीं मानता, और वो उस एरोप्लेन को क्रैश कर देता है, क्योंकि जो विल होता है वो एक बेहतरीन पायलट होता है, पर वो उस एरोप्लेन को क्रैश कर देता है, और जिस क्रैश में सिर्फ विल और माइकल बचते हैं, और वे दोनों उस बॉक्स को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी उनके पीछे ड्रोन्स लग जाते हैं अल्ट्राप्लेक्स कंपनी के, और उन्हें मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वे उन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जैसे ही वे उस टावर के पास पहुँचते हैं, तभी एक ड्रोन हमला करता है जिसमें माइकल मारा जाता है, पर जो विल होता है वो बच जाता है और भाग कर टावर के अंदर चला जाता है, और उस बॉक्स को उसकी जगह पर सेट कर देता है, जिससे एक स्विच बाहर आता है। पर जैसे ही वो स्विच को दबाने की कोशिश करता है, तभी पीछे से एबिगेल आ जाती है, गोलियां मारने लगती है, उसे शूट कर देती है गोली उसे। और एबिगेल कहती है कि मैं इस अर्थ को तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगी विल, चाहे ये क्लोन अर्थ क्यों ना हो, मैं तुम्हें इसे डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगी, क्योंकि इस धरती पर हम रहते हैं और मैं तुम्हें इसे डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगी। पर जो विल होता है वो जैसे तैसे करके उस स्विच को दबा देता है, और वो धरती तबाह होने लग जाती है। धीरे 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 वो पूरी धरती तबाह हो जाती है, और जब हमें ओरिजिनल अर्थ दिखाई जाती है तो उसका टावर भी स्विच ऑफ हो चुका होता है, क्योंकि उस टावर को चलने के लिए दूसरी अर्थ के टावर की जरूरत होती है, क्योंकि वो एक पोर्टल का काम कर रहा होता है, दूसरी तरफ से इस तरफ एनर्जी खींचना। पर अब वो धरती नहीं बची तो पोर्टल किस काम का, इसलिए वो टावर भी स्विच ऑफ हो जाता है, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।